आंटी मैं अंदर जाके आ रहा हूँ, ठीक है। साइकिल का पासवर्ड भूल गया था, खोलना कैसे भाई? यहाँ पे फंक्शन है, कीर्तन है भाई। ये भाई का बुरा हाल हो रखा है यार, और ब्लड इतना गिरा ना, गलत लगा दिया भाई के यहाँ पे। तो चलो भाई चलते हैं भाई, सारे के सारे चले गए। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी निकली है धूप, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं निकलता हूँ साइकिल लेके, जो भी काम कर रहे हैं साइकिल पे करूँगा आज। और सबसे बड़ी बात बताऊँ यार, बिल भी नहीं भरा यार अभी तक। हफ्ता पहले मम्मी ने बोल दिया था, अब पलेंटी पड़ चुकी है। तो बने रहना मेरे साथ, अभी बस निकल ही रहा हूँ। जैकेट अपनी भाई एवरग्रीन, मैं यही पहनता हूँ, मेरे को पसंद बहुत है यार ये जैकेट। ऐसे मत सोचना एक ही जैकेट पहनता रहता है भाई, मेरे को ये पसंद है बहुत जैकेट, इसलिए मैं पहनता हूँ। तो चलो भाई चलते हैं, आज जाना है गौशाला भी, गौशाला भी साइकिल पे चलेंगे। थोड़ी दूर है लेकिन साइकिल पे चलते हैं। उसके बाद एक दो और काम करने हैं, आपको बताता रहूंगा मैं। लेकिन जितने भी काम है ना भाई, सारे के सारे हम करेंगे साइकिल पे। आज मौसम बहुत सही हो रखा है, देख रहे हो ना, धूप निकली है। दिक्कत हो गई यार, गालियां बहुत पड़ी हैं मुझे। पेनल्टी डल गई है ना जो बिल पे, मेरी गलती से डली है, मैं भूल गया था। पहले बिल जमा करवाते हैं फिर चलते हैं। मैं ना साइकिल का पासवर्ड भूल गया था, खोलना कैसे? फिर भाई दूर दृष्टि दौड़ाई, फिर याद आ गया, तो खोल लिया साइकिल को, साफ कर रहा हूँ। फिर निकलते हैं साफ करने के बाद। चलो भाई बिल भी जमा हो गया, मैम को पता ही नहीं लगा कि पेनल्टी लगी हुई है। मैंने खुद बोला, मैंने मैम पेनल्टी लगी हुई है, कि हाँ पेनल्टी लगी हुई है, फिर दोबारा पैसे काटे। चलो अब निकलते हैं गौशाला, और मुँह में मैं चबा रहा हूँ अभी आंवला, एक ले लिया रामला घर से उठा चलते हुए। चलो भाई निकलते हैं हम। आज कुछ भी बोलो भाई, अच्छा बहुत लग रहा है, क्योंकि धूप है ना आज, ठंड नहीं है, मतलब ठंड है लेकिन धूप को देख के अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ओहो मैंने उधर चढ़ानी थी साइकिल यार, यहाँ चला। चलो चलते हैं गौशाला भाई। साइकिल का ना सुख बहुत है, कहीं से भी निकाल दो। आगे जाके रोड ख़राब है, वहाँ पर गाड़ी नहीं चलती, टू व्हीलर ही निकल रहा है अपना, टू व्हीलर है निकल जाएगी। और जहाँ दिल किया उठा के इस साइड कर। चलो भाई होगी भाई होगी। लो भाई आ गई गौशाला, पहुँच गए। आंटी मैं अंदर जाके आ रहा हूँ, ठीक है। लॉक नहीं लगा के जा रहा मैं, आज तो अंधेरा क्यों हुआ बहुत, फोन में फिर भी ठीक दिख रहा है यार। ये अभी तक हुआ ही नहीं यार, है अब वहीं से लगानी पड़ेगी परिक्रमा अंदर से। आज तो खाली है यार यहाँ पे, पता खाली। कल आया था मैं, परसों आया था भाई, इतने ज़्यादा लोग आ रखे थे ना यहाँ पे कल। हाँ बहुत लोग आ रखे थे, मैं चला गया। मैंने कहा यार अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब क्योंकि सारा भरा ही होगा ना ऑलरेडी, इसलिए मैं किया नहीं भाई। गौशाला का मंदिर ना ये अभी बनना ही है, मतलब हमारे सामने ही बना था। देखो कितना प्यारा लकड़ी का काम हो रखा है, बहुत बढ़िया। चारा कमाया तो चारा है ही नहीं, चारा डालते हैं। भरा कल तो भाई, जय गौ माता। हो गया गौशाला में तो काम पूरा। अब निकलते हैं आगे, और ये जो मैं पीछे ट्रक देख रहे हो ना, ये जा रहा है अयोध्या। लोड हो रहा है पूरा, भक्त जन इकट्ठे होकर सेवा करते हैं। अयोध्या अयोध्या जा रहे ना ये। चलो भाई हम भी निकलते हैं आगे। मैंने बोला था ना जहाँ से कोई नहीं आ सकता वहाँ से साइकिल आ सकती है, यहाँ पे कोई नहीं आता देखो, क्योंकि बंद पड़ी है ना रोड। देखो इस तरफ मोहाली है, इस तरफ चंडीगढ़ है। अभी मैं जा रहा हूँ 40 सेक्टर, मुझे एक शॉप पे जाना है, वो काम निपटा के फिर चलेंगे इस्कॉन फिर घर। पूरी परिक्रमा लगाऊंगा चंडीगढ़ की आज। लो भाई पहुंच गए 40, वो हरे कृष्णा मार्केट। थोड़े पुराने दिन याद आ गए, बहुत घूमा मैं साइकिल पे, और जो काम था मार्केट में वो भी मैंने कर लिया। कल जितना ज़्यादा गाड़ियाँ लगी थी भीड़ थी, आज उतनी ही कम है। चलो भाई अंदर, पता नहीं महसूस लग रहा है। हरे राम हरे राम 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 हरे। हाँ भाई ठीक है, मैं क्या ज़्यादा बुरा तो नहीं लग रहा, वो थोड़ा थोड़ा दाढ़ी दूढ़ी कटवा दो। ट्रिम करवा रहे हैं थोड़ी, ठीक है ऐसे ही देखते हैं, कटवा लेते दाढ़ी तो कटवाऊँगा यार। चलो भाई दर्शन करते हैं, जय हो रहा था माधव। मन लग बिल्कुल क्लोज दर्शन, कोई नहीं है ना, शांति ठीक है।
भाई निकलते हैं, अब इस्कॉन से दर्शन हो गए हैं, आपने भी किया ना, ऊपर निकल दो, ओहो लोग खोलना पड़ेगा यार। अब सीधा घर चलते हैं, और आज तो ऐसा लग रहा है पता भी नहीं लगा मैंने साइकिल चलाई नहीं चलाई। लो भाई बोतल भी निकाल ली, पानी भी आ गया घर पे, अभी मम्मी ने जाना किस तरह, मम्मी को ड्रॉप करके जाना आगे। अब भाई मैं आ गया हूँ घर पे, अब करूंगा आराम सिर्फ दो मिनट के लिए, उसके बाद निकलता हूँ। अब मैं निकल गया हूँ घर से मम्मी को ड्रॉप करने के लिए। पहले सोचा था मैंने कि मैं मंडी चला जाऊँ, लेकिन मंडी का भी प्लान शायद देखता हूँ क्या बनता है, बनेगा तो चला जाऊँगा और नहीं बनेगा तो घर पे आ जाऊँगा। तो भाई बस अभी मम्मी को छोड़ा है मैंने कीर्तन में, लेकिन अभी अभी फ़ोन आ गया कीर्तन से, राजा वहीं पे ही है कीर्तन में ही है भाई, उसके पेन होनी स्टार्ट हो गई। भी बताता हूँ सारा का सारा प्रोग्राम, अभी दिक्कत है क्या, मैं वापस दोबारा ही जा रहा हूँ वहाँ पे लोकेशन में जहाँ पे कीर्तन है भाई, यहाँ पे फंक्शन है कीर्तन है। भाई इसका दर्द ज़्यादा हो रही है, पथरी का दर्द उठ गया है एकदम से। चाकुलवीरन पढ़ लो भाई, अभी हम आए हैं 32 हॉस्पिटल राजू को लेके, इसके ना पता नहीं पथरी है यार, पहले से दर्द एकदम से स्टार्ट हो जाता है, अभी बहुत गंदा दर्द हो रहा है, बस बंदा रो नहीं रहा, बिल्की जा रहा है, बुरा हाल है, बस जा ही रहा हूँ उसके पास में। भाई ये भाई का बुरा हाल हो रखा है यार, और ब्लड इतना गिरा ना, गलत लगा दिया भाई के यहाँ पे, बहुत ये हालत है। अब भाई कैसे है, ठीक है थोड़ा, चल यार कोई बात नहीं, हाँ ड्रिप लगे हुए हैं यहीं पे ही, थोड़ा चले, लेकिन अभी भाई चार चार पेन किलर दे दिए हैं, अभी भी सेट नहीं हुआ, अब ड्रिप लगी है, अब ठीक है ना भाई। भाई ठीक, बंदे ही बदली जा रहे हैं, गौतम जाकर कराया। चलो भाई चलो, कीर्तन पूरा ठीक हो गया, सुख है हुण, हुण मुंडा सला ठीक है, ठीक है तेरे हुण चिक्का कटा दी थी इन्हें, तेरे अपनी भी छाटियां भी ना हो गई थी यार, हुण ठीक है यार, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया वहाँ पे, और प्रसाद वगैरह हो चुके राजे, डाइटिंग दे दिया से मुंडा भाई, पथरी का दर्द बहुत गंदा होता है, दिन तो खतरनाक ही निकला, पहले मैंने साइकिलिंग की इतनी ज़्यादा, उसके बाद इसके चक्कर में 2 घंटे खड़े रहे और खाया कुछ नहीं है। चलो भाई ढाई ढाई घंटे हो गए भाई, ढाई घंटे हो गए राजे, देख लो गाइस, तो भाई मैं बोलता ही नहीं, दोस्तों फ्रेंड्स दोस्तों देख लो, कंजर काम हो गया सी, बचाव हो गया, इधर निकल जाऊ ना गड्डी भाई, मेरे को नहीं आज तो राजे को ही दिखा भाई, आते बिल करा रहे तड़प रहा था, इसको ही दिखा, मेरे पाए हुए पुआड़े भाई, 4 साल बाद इसके हो गया दोबारा पथरी, और बहुत गंदा दर्द है यार सच में, देखा नहीं जा रहा था। अब जहाँ कीर्तन है हम वहीं पे जा रहे हैं, वहीं पे कुछ तुम लोगों ने प्रसाद ले लिया, नहीं कहा कीर्तन में नहीं गया ना, प्रसाद वगैरह लेके फिर घर चलते हैं, मम्मी वहीं पे ही हैं वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं भाई। अब भाई कहाँ लगा भाई साहब, अरे भाई इसके ग्रह माड़े चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आते हैं फिर ठुक गए गाड़ी से, दर्शन करवाते हैं भाई, सारे के सारे चले गए A to Z भाई, भरा हुआ था जो वो आए थे, जय हो गौर निताई जय। चलो कोई बात नहीं, हमारा फंक्शन आज रह गया, लेकिन अपना यार ठीक हो गया। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ घर पे, मैं आ गया था घर पे, मम्मी और सिस्टर मेरा वेट कर रहे थे, तो बस उनको लेके मैं घर पे आ गया यार, राजे के बहुत गंदा दर्द उठा है, बस पूछो मत यार, बस बिलग रहा था बंदा, रोया नहीं, मुझे पता कितना दर्द उससे हो रहा था ना, और ऊपर से दूसरा पंगा पता क्या होता है सरकारी हॉस्पिटल में यार, जब उनकी ना शिफ्ट चेंज होती है, एक को तो समझाया हुआ था, फिर वो दूसरे को समझा रहे हैं, उसके बाद वो 15 मिनट लगाने के बाद हमारे पास आ रहे हैं, हमने कहा भाई देख लो इसको, चार ना इंजेक्शन दे दिए थे उसको पेन किलर का, तब भी ठीक नहीं हुआ, उसके बाद आधे एक घंटे बाद जाके ठीक हुआ वो, फिर थोड़ा हमने कहा बस अब उठा ही लेते हैं, चलते हैं हम जाके, जब भी होगा देख लेंगे हम बाहर जब भी होगा, तो उसके बाद ठीक हो गया था वो, उसके बाद आगे थे हम, जैसे हम देखा प्रोग्राम में, प्रोग्राम तो खैर कंप्लीट ही हो गया था सारा का सारा। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ यार, आज का दिन ऐसे निकल गया, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ करते रहना, तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।